वर्ल्ड कप के बाद कप्तान ने दिखाया अपने बल्ले से गुस्सा। इंग्लैंड में खेले जा रहे T20 ब्लास्ट में रनों की लगातार बारिश हो रही है। कभी चौके, कभी छक्कों की बारिश, कभी ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी, मैच दर मैच रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार देर रात वर्डशायर और डरहम के बीच मुकाबले में दो धमाकेदार हाफ सेंचुरी लगी। वर्डशायर के लिए खेलते हुए न्यूजीलैंड के सभी अनुभवी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने केवल 18 गेंदों पर हाफ सेंचुरी ठोक दी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के रिकी वेल्स ने 20 गेंदों पर हाफ सेंचुरी लगाई। गप्टिल का धमाका देखा गया। दो हफ्ते पहले वर्ल्ड कप में मार्टिन गप्टिल फ्लॉप रहे थे, लेकिन T20 ब्लास्ट में वो अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। डरहम के खिलाफ तो उन्होंने रनों की मूसलाधार बारिश कर दी। गप्टिल ने सिर्फ 18 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी करी। हर ओवर में लगातार उनके बल्ले से छक्के निकल रहे थे। हाफ सेंचुरी बनाने के बाद भी वो लगातार रन बनाते जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 86 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 10 छक्के निकले। गप्टिल ने 72 रन बाउंड्री से बनाए, यानी उन्होंने सिर्फ 14 रन सिंगल और डबल से लिए। उनकी टीम के सामने 182 रन का लक्ष्य था, जो कि उन्होंने सिर्फ 12 ओवर में ही पा लिया और अपनी टीम को बड़ी आसानी से जीत तक उसकी मंजिल तक पहुँचा दिया। वेल्स की तरफ से ताबड़तोड़ पारी खेली गप्टिल ने। उनके साथ दूसरे छोर पे ओपनिंग करने आए ऑस्ट्रेलिया के रिकी वेल्स ने भी धमाकेदार पारी खेली और उन्होंने भी सिर्फ 20 गेंदों पर हाफ सेंचुरी लगाई। वेल्स ने 29 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 5 छक्के लगाए और वेल्स ने लगातार 7वें ओवर में स्कोर 100 के पार पहुँचा दिया। रिकी वेल्स ने अगले ओवर में 24 रन बनाए और उसके बाद डरहम के गेंदबाज लियम ट्रेवलिस के एक ही ओवर में गुप्टिल और वेल्स ने 24 रन ठोक दिए और इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के भी लगे।